हाय गाइस, मैं हूँ फैक्टोबाज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाइनीज नीति की 6 ऐसी बातें जिसे सुनने से शायद आपकी जिंदगी भी पलट सकती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 6, इंसान को कभी भी अपने मन के राज किसी को नहीं बताना चाहिए। उसे अपने राज मन में रखते हुए पूरी लगन से अपने कार्य को करना चाहिए। नंबर 5, ऐसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि ऐसे शिक्षाहीन व्यक्ति समाज में कभी सम्मान नहीं पा सकते। नंबर 4, बचपन में बच्चों को जैसे शिक्षा दी जाती है उसका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दें, जिससे बच्चों में अच्छे गुण आए और उनका उत्तम चरित्र विकसित हो सके। नंबर 3, मनुष्य के रूप में जन्म लेना सौभाग्य होता है, इसलिए मनुष्य को वेद शास्त्र का अध्ययन करने और दान जैसे अच्छे कार्य करने में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। नंबर 2, कर्ज से डूबा व्यक्ति हर वक्त परेशान और दुखी रहता है और उसका दुख भाइयों और दोस्तों से मिले अपमान के बराबर होता है, इसलिए कर्ज लेने से बचना चाहिए और बुरे वक्त के लिए धन बचा कर रखना चाहिए। नंबर 1, अपने बच्चों को पहले 5 साल डांट कर रखना चाहिए, अगले 5 साल डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए और जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की कुछ मजेदार बातें। अगर आपको ये अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्टोबाज को सब्सक्राइब कर दो और पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर दो। मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग फैक्ट से जुड़ी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।